बीते दिनों हिमाचल की राजधानी शिमला में लोगों को पीने की पानी की समस्या का सामना करना पड़ा। लंबे वक्त से बारिश न होने की वजह से जनता को पानी नहीं मिल पा रहा था। अब बारिश होने के बाद पानी की सप्लाई धीरे धीरे सामान्य हो चुकी है। नगर निगम शिमला हर तीसरे दिन शहर की जनता को पानी उपलब्ध करवा रहा है, इससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। बीते दिनों पानी न आने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। नगर निगम की पूरी कोशिश रहेगी कि शिमला में तीसरे दिन तो सप्लाई मिलती रहे, और आजकल तो पानी, पीछे बारिश हुई तो सिर्फ 42 MLD पानी आया है और सभी जगह तीसरे दिन पानी दिया गया है। कुछ एरियाज जो पिछली बार से, जैसे आज चौथा दिन था, जैसे हमारा कृष्णा नगर है और या लोअर बाज़ार वगैरह है, वहाँ भी आज पानी दिया गया है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि मानसून में भी अगर गाद की प्रॉब्लम आती है, फिर भी हम उससे दूर करने की कोशिश करेंगे और तीसरे दिन जो है पानी देंगे जनता को। बिल्कुल बिल्कुल, 26 MLD पानी जो है हम स्टोर करेंगे। अभी हमने पीटर हॉफ में देखा, 7 MLD पानी वहाँ स्टोर हो जाएगा, 10 ढली में हो जाएगा, और जो सियोग का भी है उसमें भी हम पानी को स्टोर कर रहे हैं। तो ये जो 26 MLD पानी अलग से आएगा तो उससे जनता को काफ़ी राहत मिलेगी। लोग मान सकते हैं कि अब लोगों को पानी की समस्या भी नहीं है। हाँ, हमारी पूरी कोशिश है नगर निगम की कि जनता को जूझना ना पड़े और त्राही त्राही ना हो। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।